तो मैं समझता हूँ हमारे जो बनिए भाई जो मदद करेंगे और वो माए जिन्होंने इस सरकार का तांडव देखा, क्या ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई? तो उनकी भी हत्या हुई है, उनको नहीं पता कि कौन आदमी योगी जी को के साथ लड़ रहा था। तो मैं पिछली बार हुआ क्या था, जब मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने गया माननीय काशीराम साहब को आदर्श मान के, तो बहन जी ने एक ट्वीट कर दिया था। मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके नीतियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को वॉकओवर दिया है, उसका नुकसान बहुजन समाज को उठाना पड़ेगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये स्पष्ट करूं कि ना, मैं अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये सोचिए क्या अखिलेश जी को चुनाव के बाद कोई छू सकता है? ये बहन जी को छू सकता है ना, हम छूने देंगे, लेकिन जो आम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आम गरीब वर्ग के लोग हैं, आम जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जो 5 साल सहना पड़ेगा इनकी गलतियों की वजह से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके साथ जो अन्याय होगा सरकार करेगी, भर्ती में घोटाले और हक मांगने पर लाठियों से पीटेगी, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं नेताओं से ज्यादा उस समाज की चिंता कर रहा हूं, अपने थे पिछड़े समाज की, दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम और जो अन्य धार्मिक लोग हैं, उन भाइयों की बात कर रहा हूं, उन परिवारों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अन्याय सहा और आज की व्यवस्था में न्याय न मिलने के कारण वो बेचारे खून के आंसू पी के बैठ गए इस सारे से कि कुदरत उनको न्याय देगी। तो मैं समझता हूं कि ये बैठने का काम नहीं है, लड़ने का काम है। क्या तो जो अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या तो वहां लड़ने जाएं, और लड़ने जाएंगे तो फिर वो ये भी तय करें, जैसा मैंने कहा कि उनके पास उनके खिलाफ लड़ने के मुद्दे क्या हैं। मैंने तो 5 साल उनके पास, मेरे में इतना बड़ा चिट्ठा है, जब मैं जाके वहां जनता के सामने रखूं, मैंने कल भी कहा था कि जाति के कारण हो सकता है 2 जातियों के लोग मुझे वहां वोट ना करें, लेकिन बाकी शूद्र वर्ण के लोग मुझे वोट भी करेंगे और मुझे चाहेंगे भी कि मैं हरा के इनको जाऊं। और इतिहास गवाह है कि हमने पहले भी यहाँ इस देश में बड़े बड़े तानाशाहों को हारते देखा, और तानाशाह छोड़िए, वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री को भी हमने हार देखा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बिहारी, एक क्रांतिकारी राजनारायण सिंह जी से, और अर्जुन सिंह जी हारे बाबू सुखलाल कुशवाहा जी से मध्य प्रदेश में। तो हमने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को, और हमने कल भी अभी परसों बताया था कि 5-3 बार की मुख्यमंत्री, 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी हारी थी दिल्ली में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं, मेरे पीछे बड़ा कोई टैग नहीं है इसलिए मैं नहीं जीतूंगा, तो ये आप गलतफहमी पाल रहे हैं। जब मैं आज लिख के दे रहा हूं कि सरकार आजाद समाज पार्टी के मोर्चे की बनेगी और मुख्यमंत्री आजाद समाज पार्टी के मोर्चे का बनेगा, आप ध्यान रखिए। चंद्रशेखर जी, एक सवाल ये है कि एक मोर्चा का कल अनाउंस हुआ और एक आज हो रहा है, तो कहीं इससे बीजेपी को फायदा तो नहीं होगा? देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने जितना प्रयास करना था किया था, अब मैं समझता हूं कि अगर इस तरह मैं वॉक ओवर देता रहूंगा सब लोगों को, तो ये भ्रष्ट लोग सरकारों में अगर आ भी जाएंगे तो जनता का भला नहीं करेंगे। आप उनसे पूछेगा, मैं अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, पूछे कि 13 पॉइंट रोस्टर जो है वो किसने लागू किया था उत्तर प्रदेश में, क्या उनके पास जवाब है? क्या उनके पास जवाब है? प्रमोशन में रिजर्वेशन पे जो अन्याय हुआ था शेड्यूल कास्ट के अधिकारी कर्मचारियों के साथ, जो उनका डिमोशन हुआ और खून के आंसू उन्होंने रोए, क्या उनको इस पर तकलीफ है? मैं भैया का सम्मान करता हूं, लेकिन अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि राज भी सरकार हमारे लोगों को राशन देके उनके शासन करने की सब क्षमता को छीनना चाहती है, तो यानी कि आज भी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हुई। चंद्रशेखर जी आपने कहा था कि आप जब विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे तो एक भी सवर्ण प्रत्याशी नहीं उतारेंगे चुनाव में, अभी उस फैसले पर कायम है या कुछ संशोधन हुआ? देखिए मैं अपने आंदोलन पे जो माननीय काशीराम साहब ने तय किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे कायम हूँ, यही लड़ाई तो मेरी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने वो बहुजन समाज पार्टी से थी, उन्होंने सारा जो कार्यभार है वो सतीश चंद्र मिश्रा जी को सौंप दिया, और सतीश चंद्र मिश्रा जी अगर इस लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? तो मैंने ये बताया कि हम अपने दल से नहीं लड़ाएंगे, अगर क्योंकि गठबंधन धर्म का सम्मान करना है, अगर हमारा कोई और साथी लड़ाएगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरी किसी जातिगत लड़ाई नहीं है। अब मैं उन लोगों के हाथ में सत्ता चाहता हूं जिन लोगों को, क्योंकि माननीय काशीराम साहब का जिनका दल होगा उनका बल होगा, और जिन पे बल होगा उनकी समस्याओं का हल होगा। तो जब हमारी समस्या का हल कोई दूसरा नहीं कर रहा है, जिन समस्याओं, जैसे जाति से हमें समस्या है, जाति के आधार पर हम तोड़े गए, आज जाति के आधार पर हम भाईचारा बना रहे हैं, जाति के आधार पर जो हमें, हमारे साथ एट्रोसिटी होती है, शोषण होता है, जाति के आधार पर हमें अपमानित किया जाता है, तो इससे अगर किसी को समस्या है तो हमें, तो इसका निराकरण कौन करेगा? हम करेंगे। तो अगर गठबंधन धर्म निभाने के लिए गठबंधन के साथियों के साथ खड़ा होना पड़ा तो मैं उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का, सभी जातियों का। लेकिन हमारा दल
लाइन खींच के 85% बनाम 15 की लड़ाई लड़ेगा। ऐसे नहीं कहेंगे जैसे मंच से कह देते हैं कि लड़ाई एक कहते 80-20 की है और दूसरे कहते 85-15 की। अखिलेश जी हाथ उठा के, मैं सम्मान करता हूँ भैया का कि मैं 85% का नेता हूँ, ये फरसा उठा के क्या बहुत के गले काटने की तैयारी है? ये नहीं चलेगा। गोरखपुर पे वोटर किसका वोट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा? देखिए मैंने कहा ना, जो अब ये एक चर्चा है कि बीजेपी के खिलाफ बहुत लोग हैं, मैं भी मानता हूँ बीजेपी ने ऐसे काम किए, लेकिन बात यह है कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कारण से मुझसे, जैसे मैंने कहा जाति बड़ा फैक्टर है, हो सकता है मुझे वोट देना ना पसंद करे, लेकिन वहां के जो काय समाज के लोग जो जिनकी एक हिस्सेदारी हुआ करती थी पंडित जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, आज वो समाज हासिब है। उनको जब मुख्य सचिव बनने की बारी आती है तो डेपुटेशन हो जाता दिल्ली से, मुख्यमंत्री को भी नहीं पता होता। तो मैं समझता हूँ हमारे जो बनिए भाई जो शुद्र वर्ण में आते हैं, जिनको जो बेचारे सताए गए, ये तमाम जो बड़ी बड़ी जातियां वहां, और फिर ये पूरा बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग, ये लोग जिन्होंने मुझे लड़ते हुए देखा वो मेरी मदद करेंगे, और वो माएं जिन्होंने इस सरकार का तांडव देखा, क्या ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई? उनकी भी हत्या हुई है, उनको नहीं पता कि कौन आदमी योगी जी को के साथ लड़ रहा था। तो मैं समझता हूँ जो सामाजिक न्याय को मानता होगा और जो मानता होगा कि जाति योग्यता नहीं होती वो मुझको वोट देगा। चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर भाई आपने कम से कम 7 बार कहा कि अखिलेश भैया का मैं सम्मान करता हूँ, इसी बीसी में शायद 7 ही बार कहा है, तो मतलब कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, चुनाव के बाद आप फिर भैया के साथ हो सकते हैं, ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, दरवाजे अभी खुले हैं, थोड़ा सा बीच की रुकावट है। आप चाहते हैं मैं उनसे लड़ूं? मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई उनसे नहीं है। मैं तो पहले कह चुका, मुझसे ज्यादा स्वाभिमानी आदमी जो अपने स्वाभिमान को ताक पे रख के बीजेपी को हराने के लिए उनके पास गया था, और मेरे साथ और भी ठगे हुए लोग बैठे हुए, वो सब लोग इस बात को जानते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन मुझे अब उनसे कोई शिकायत नहीं, मैं तो उनके लिए उनकी दीर्घायु की मंगल कामनाएं करता हूँ, उनसे कहता हूँ वो अच्छी तरह लड़े, और सबको लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र इसकी खूबसूरती यही है ना। अब आप देखिए मौर्य जी समाजवादी पार्टी में है और उनकी बेटी बीजेपी में, तो समझिए मैं क्या क्या कह रहा हूँ आपको। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिसका जहां दिल करे वो वहां जाके लड़े, तो हमारा दिल मिल गया है। ये जो हमारे साथ लोग बैठे हैं देखो सब मुझसे उम्र में बड़े हैं, गजब की बात, देखो आप सब मुझसे बड़े हैं, लेकिन सबका हाथ जो है मेरे सर पर है, सबका आशीर्वाद मुझे है। तो मैं समझता हूँ जिनके पास इतनी माओं का, बहनों का और बुजुर्गों का, सम्मानित नेताओं का हाथ हो जिसके सर पे, वो हारेगा नहीं, और मैंने धोखा देना सीखा नहीं। आपने पिछली बार एक बात कही थी कि अगर अखिलेश यादव पब्लिक फोरम से ये कहें कि चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई में मेरे साथ आए और वो मुझे एक भी सीट ना दें तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनसे पूछा तो बोले कि मैं बोल तो रहा हूँ मेरे छोटे भाई आ जाएं मेरे साथ में। मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप भी मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरा छोटा भाई है, ये मेरे चाचा है, सब साथ साथ। आपने कहा था मेरे इसी में एक सवाल मेरा भी है, आपने ओमप्रकाश राजभर को हमेशा बड़ा भाई माना है और ये भी कहा है कि जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे, जो आपने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया था, क्या उनसे बात हुई आपकी? देखिए जैसा पहले भाई ने सवाल पूछा तो ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, आप भी मेरे भाई हैं, ये भी मेरे चाचा हैं, ये भी मेरे भाई हैं। मैंने सम्मान की बात की थी, तंज की बात नहीं की थी। हाँ, उसी पॉजिटिव नोट पर उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई हैं आए साथ में। मैं फिर कह रहा हूँ कि लड़ाई तो स्वाभिमान सम्मान की है, तो हम बीजेपी के खिलाफ भी लड़े। अगर वो एक बार फिर से बोल देते कि वो मेरे छोटे भाई आ जाए मेरे साथ, तो ये खत्म कर लेंगे। सोचेगा गठबंधन के नेता जो आदेश करेंगे हम उसका सम्मान करेंगे। लोकतांत्रिक, आपको पता है एक चीज क्या कही थी कि चंद्रशेखर ने किसी को फोन किया? हाँ, चंद्रशेखर बात बन गई थी। हम लोकतांत्रिक, आपने जिस फैसले के साथ हम आपके पास आए, जिस प्रस्ताव के साथ, और आप उससे ना के बराबर चले जाए, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप जिस भी मीडिया में काम कर रहे हैं आपको वहाँ 30,000 रुपए सैलरी मिल रही है, मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, और आप मेरे पास आ जाए और आप कहेंगे सर मैं आगे काम करने, और मैं आपसे कहूँ कि 2,000 रुपए दूंगा, करना है तो कर ले, तो शायद आपको भी ये ना के बराबर प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए मैंने वहां पूछा भीम आर्मी के जो हमारे नेता राष्ट्रीय कोर कमेटी के, आजाद समाज पार्टी के, कि अब ये प्रस्ताव चेंज हो गया है, अब आपका क्या आदेश है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि फैसला आपका है, तो मैंने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं, तो मतलब उन्होंने आपके साथ छल किया, धोखा दिया। मैंने 50 सीटों की मांग की थी, आप मेरे जख्म कुरेद रहे हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया ना, ये हम मतलब निकाले। मैं तो कह चुका हूँ जिनको हमें बताना था, क्योंकि चंद्रशेखर तो सिर्फ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, इस गठबंधन का भी एक सिपाही है।
हम बहुत अहंकारी नहीं है भाई, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे हैं, अपनी हैसियत जानते हैं और कहां से उठता है आप आइडिया नहीं लगा सकते। इस लखनऊ में मैं घूमा हूं पैदल पैदल, और यहां मैंने कल अपने साथियों को बताया कि शौचालय वहां मैं जब रैली में आता था ना बहुजन समाज पार्टी की, तो वहां मैं नहाने जाया करता था, 10 रुपए में एक साबुन की टिक्की देते थे, कपड़े अपने लेके आता तो वहां नहाने जाता था। तो आज तो मेरी हैसियत मेरे समाज ने इतनी बनाई कि मुझे यहां रहने के लिए उन्होंने एक मकान मिल दिया कि आप यहां रह लो, और मेरे गोरखपुर जाने से पहले उन्होंने मेरे लिए वहां मकान की व्यवस्था कर दी। तो मैं तो धन्यवाद करता हूं समाज का। मैं फिर कह रहा हूं कि उससे बड़ी बात मैंने उनको दोहरा के दी थी कि आप सह सम्मान बुलाओ ना, तो सिर्फ लड़ाई तो स्वाभिमान सम्मान की है ना, कल जब इलेक्शन में का रिजल्ट आ जाएगा फिर आपको कहां ढूंढेंगे बताइए ना।